स्पेशल वीडियो में मैं बात करूंगा वन ऑफ यूट्यूब मोस्ट लव्ड सी ए रचना से दोस्तों जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी तो आई वॉज लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन क्योंकि हम सब लोग इंस्पिरेशन के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं एंड मेरे सामने फिर बहुत सारे लोग आए उनमें से एक इंसान जिसने मेरी इतनी मदद करी है विदाउट हर इवन रियलाइजिंग दैट शी हैज इज रचना रानडे रचना रानडे इज वन ऑफ यूट्यूब बिगेस्ट क्रिएटर्स और उन्होंने अपने पर्सनल जर्नी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग पीपल ऑफलाइन जहां वो एक क्लासरूम में सी ए स्टूडेंट्स को पोस्ट सी ए स्टूडेंट्स को एम बी ए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, थी और फिर उन्होंने वही सब चीज यूट्यूब पे जाकर शुरू करी एंड टूडेटिवली फॉलो हर एंडसिलेशन में मैंने रचना के पूरी लाइफ जर्नी यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करी एंड आई होप यू एंजॉय जस्ट एज मच एज आई डे आइए शुरू करते हैं वेलकम 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 रचना दिस इज सच एन एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन फॉर मी थैंक यू सो मच फॉर बेकिंग टाइम मैंने इतने वक्त से आपका कॉन्टेंट फॉलो किया है आई डोंट थिंक यू हैव एनी आइडिया हाउ मच यू हैव हेल्प मी पर्सनली इन माई ओन जर्नी बट आई एम दिस विल बी माई वे ऑफ थैंकिंग यू इन इन मल्टीपल थिंग्स अगर मैं ब्लश कर रहा हूँ ना तो प्लीज आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है सो आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चन रचना ऑन हाउ Amazingly, you have come across as a personal brand on YouTube. Like, your journey is so inspirational. Hai. <laughs> but I wanted to take you all the way back when you decided that you wanted to first become a CA. Yeah. And then from that, move yes. to YouTube. So, first tell us, do you come from a family of CAs or from finance or business? Or is it something that you chose? How did it? Happen? so see so bhi pehle kuch hai actually i wanted to be a singer and wow. yeah and singing singing se related either a professional singer or a teacher in singing dono mein se kuch to karna tha mujhe so i have learned singing uh, I've learned it for almost 12 to 14 years mera sangeet visharad ho gaya hai so that's equivalent to bachelor's in music uh, तो plan तो था कि full time singing में career करना इनफैक्ट fact my dad was also very keen that i should be doing a career in singing but you know 11th standard mein i met this guy Uh, who is my husband right now? Okay, <laughs> so, uh, 11, 12 standard, you know, typical college fascinating relationship, and uh, then रचना मैं तो सी ए करने वाला हूँ बट देन अगर तुम सिंगिंग में जाओगी फिर मैं सी ए करते बैठूंगा फिर हम मिलेंगे कैसे मैंने कहा यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मैं काम करती हूँ मैं भी सी ए के लिए एनरोल कर देती हूँ ताकि उसी बहाने क्लास में सही मलना होगा <laughs> री हार्ड टू बिलीव बट दैट वॉज दोल रीजन वाई आई चूज टू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट नो अदर रीजन माई ब्रदर वॉज ऑल्सोट टाइम इन सी ए फाइनल तो ऐसे नहीं की घर में किसी का भी बैकग्राउंड है ये भी नहीं था सो माई डैड वॉज वर्किंग इन द फानेस डिपार्टमेंट ऑफ किर्लॉस्कर ब्रदर्स सो वेल नोन कंपनी तो कॉमर्स का है मतलब घर में बैकग्राउंड है बट नॉट अस बैकग्राउंड एज सच एट ऑल दिया हो भी गया आप इतने अच्छे सी ए भी बन गई सब कुछ लाइफ भी चेंज हो गई दिस इज इनक्रेडिबल

नोवेर मतलब देख सुसे आई मिस्ट माय मेरिट बाय लाइक टू मार्क्स रस्ते पे लाइक आई मिस्ट माय मेरिट बाय लाइक फिफ्टी मार्क्स मेरी डेट इस तू बी रचना राणा डे इन स्कूल क्यों एक अच्छी कंपनी जरूरी है आई थिंक दैट वो तब मुझे रियलाइज नहीं होता था लेकिन आज मुझे वो रियलाइज होता है कहीं ना कहीं हमेशा वो एक बर्निंग डिजायर रहता था अंकुर अंदर की यार मेरी फ्रेंड्स yeah. कर रही है तो आई शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम एंड इट्स ओके कि मैं शायद उनके जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी हर एक का अपना अपना एक टैलेंट है बट आई शुड एटलीस्ट ट्राई कि मैं लास्ट एग्जाम से थोड़ा सा तो और ऊपर लेके जाऊ खुद को सो so, वो एक अच्छा इंस्पिरेशन मिला ड्यूरिंग स्कूल

<laughs> एक परसेंट भी शक नहीं होगा क्योंकि जिस जिस से आप पढ़ाती हैं समझाती हैं लाइक इट तुम्हें बताती हूँ सब तो वहां वहां से शुरुआत करते हुए हाउ डज इट फील टू बी वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट YouTube क्रिएटर डूइंग सो सो वेल एंड सो डीपली एडमायर लाइक आई आई हैव टू टू दिस जब भी आप कॉन्टेंट क्रिएशन करते हैं ना तो एक पॉजिटिव वेव होती है वेरी हाई एटी नाइनटी नाइन्टी फाइव परसेंट बट एक ना नेगेटिव वेव भी होती है कि यार ये ना ऐसे ही आ जाता है कुछ भी बोल देता है कुछ पता है नहीं वगैरह बट वेन इट कम्स टू यू रचना एंड आई हैवेंट मेट इवन अंगल पर्सन एवर हु

उसको सर पे ना चढ़ देना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है यू नो you know, तो uh, मैंने मेरे घर में मेरे लिविंग रूम में इतना बड़ा एक यू uh, नो you know, एक पोस्टर टाइप लगाया जहाँ पे मैंने लिखा है कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन स्टे ग्राउंडेड एंड अप्स एंड डाउन के लिए बुल्स एंड बेर्स लगाए उसमें तो स्टॉक मार्केट लाइफ सब एक एक साथ में चिपका हुआ है सब कुछ एक ही कर दिया वंडरफुल दैट इज ऑसम सो ये बताइए रचना व्हेन यू व्हेन यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन ऑन यूट्यूब क्या आपको कोई आइडिया था कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा डिड यू डू इट एज एन इनकम स्ट्रीम और डिड यू डू इट फॉर द लव ऑफ टीचिंग एंड देन द इनकम स्ट्रीम स्टार्टेड अपियरिंग Absolutely. Walk us through how it worked. So, initially, my very first video on YouTube is about auditing. So, I started my teaching career uh, with CA students. So, you know, many CA students who used to come to Pune just to learn this course, uh, they used to go back once the syllabus. वॉज ओवर राइट बट उनका एग्जाम वहां से रफली पांच महीने बाद आता था. चा, whatever, तीन चार पांच महीने बाद बट उस दौरान अगर कुछ अमेंडमेंट हो गया लॉ में कुछ अमेंडमेंट हो गया तो उन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए तो पहले हम ई मेल करके भेजते थे कि यार, ये amendment हुआ है all that. तो रिक्वेस्ट आने लगे की मैम वो पढ़ने से अच्छा आप सिखाओगे तो अच्छा लगता है हमको ज्यादा देन आई थॉट चलो यूट्यूब पे वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते है तो एक वीडियो टाइप उनको जाएगा सो जीरो आइडिया अबाउट कि YouTube पे मोनेटाइजेशन होता है नहीं वो तो पता भी नहीं था तब तक तो द होल एंड सोल पर्पज वॉज कि स्टूडेंट्स को वो एक comfort आना वो पता चलना चाहिए उनको कि ये यही अमेंडमेंट हुआ वहां से शुरुआत हुई फिर यू नो आई स्टार्टेड दिस होल जर्नी ऑफ टीचिंग फ्रॉम 2009 एंड ये 2019 तक बस वही चल रहा था टीचिंग सी ए स्टूडेंट्स टीचिंग एमबीए स्टूडेंट्स पीजीडीएम स्टूडेंट्स टेकिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इनफैक्ट आई यूज टू टीच पोस्ट ग्रेजुएट एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स टू चार्ट अकाउंटेंट्स दैट इज नॉन एज फॉरेंसिक ऑडिटिंग Okay. तो वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सी एज है तो मेरे क्लास में ओल्ड wow. so, uh, बहुत इंफिरटी कॉम्प्लेक्स आता था तब इतने एक्सपीरियंस सी एज के सामने मैं क्या बताऊ करके राइट right? <laughs> तो दस साल आई थिंक दैट इज वॉट हुआ वो जो सब लोग बोलते हैं ना कि आप

उससे ज्यादा youtube से मिल सकता है क्या तो मुझे लगता था पागल है कुछ भी बोलता है youtube से इससे थोड़ी ना ज्यादा मिलेगा सो so, वो तो बिल्कुल नहीं था पर्सपेक्टिव स्टार्ट करने का ब्रिलियंट नहीं बट आई आई लव दिस पार्ट जो आपने बताया ना कि वो जो 10 साल की जो आपने पूरी मेहनत करी एंड एंड यू वर क्लियरली सो गुड एट इट

<laughs> अब एम बी एमेस्टर वन के यहाँ से यहाँ क्यों लेके आ रही हूँ बिकॉज कोई बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया है कोई yeah, yeah. से है, कोई से से आया है, है, उनको सिखाने का है फाइनेंशियल तो स्टेटमेंट्स से शुरू करना बोलते थे ये डेबिट में क्यों आता है ये क्रेडिट में क्यों आता है इसलिए so भाई ऐसे ही होता है। स्टैंडर्ड से पढ़ा है हमने <laughs> तो बट दे है, आता है बिगर चैलेंज फॉर मी टू एक्सप्लेन द to all those who are from a non commerce background to take them through this journey so again wahan pe wo develop ho gaya aur simplify karo aur simplify karo agri ke bachon ko bhi samajh mein aana chahiye arts ke bachon ko bhi samajh mein aana chahiye so that is what i learnt i guess in those 10 years of teaching to variety of students that is so so and and this is what i say often rachna ki ek बढ़िया टीचर की ना खासियत यही होती है कि दे टीच एट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट नॉट एट देयर लेवल एंड दैट इज सो हार्ड लाइक सुनने में और देखने में आसान लगता है एंड एंड आई कैन अप्रिशिएट इट बिकॉज जब आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल चीजें बताते हैं अपने चैनल पे यू शेयर इट विद सच सिंपलिसिटी दैट आई नो हाउ हार्ड इट मस्ट बी फॉर यू टू सिट डाउन ऑन दिस एंड एक्चुअली से यार ये ऐसे होता है लाइक इट इट्स इट कमेंटेबल ब्रिलियंट नाउ क्लियरली थ्रू दिस जर्नी रचना यू आर क्रिएटिंग फॉर इंडिया इन अ वे दैट इज मैसिव राइट आप अपने 10 साल में आपने जितना भी पढ़ाया बट इट वाज कंस्ट्रेंड इन अ क्लासरूम इट वाज ऑफलाइन इट कुडंट बी आउटसाइड ऑफ द लोकेशन अब आप अपने घर बैठे घर नहीं पर जो भी अपना ऑफिस अपने स्टूडियो में बैठ के अब लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं एंड यू आर क्रिएटिंग फॉर इंडिया

क्योंकि मैंने बोला ऐसे जो बंद आई आई शेर इंसिडेंट आई टू ऑलोरेट तो वहां पे ना मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक बहुत बेसिक चीज सिखा रही थी वो सिंपल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आई थिंक हर एक फाइनेंस कॉन्टेंट क्रिएटर का एक फेवरेट टॉपिक होता है की कंपाउंडिंग का मैजिक राइट right? मैंने भी किया इसके ऊपर आपने भी शायद किया होगा राइट तो वो मैं तब पढ़ा रही थी तो एक सीनियर मैनेजर ने मुझे पूछा था कि कौन सी बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देती है तो वो एक एंड स्टूडेंट्स का तो हाल पूछो मत की जिनको राइट right? तो वो सब जगह पे एक ही वो पेन पॉइंट समझ में आ रहा था दैट वॉज द स्टार्टिंग मे और आज क्या और ड्राइव करता है you, ये जो एक, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो आती है कि व्हेन आई रीच आउट टू मासेस मास नॉट ओनली स्टूडेंट्स नाउ कि जिनको सिर्फ वो लोग जो एम बी अफोर्ड कर सकते हैं पहले मैं सिर्फ उनको पढ़ा सकती थी वो लोग जो सिर्फ बड़े बड़े एम में उनको ही पढ़ा सकती थी नाउ इकोनॉमिक बैरियर हैज है बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि ऐसे कई सारे फीडबैक्स आते हैं कि रचना मैम आपके लेक्चर थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे गांव में उतना इंटरनेट है नहीं तो हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे जाते हैं आपका लेक्चर डाउनलोड करते हैं wow. और फिर घर जाके देखते हैं सो so, ये चीज इतना दिल को छूने वाला होता है कि ऐसे लगता है यार ऐसे सभी लोगों को जिन तक शायद आज आज तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ अभी भी नहीं पहुंच पाई हूँ उन तक पहुंचना वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहता है ये एक ये केस है और एक केस मैं बताती हूँ कि यू नो एक वेटर उस दिन सर्व कर रहा था रफली कुछ महीने पहले की बात है रफली वो सर्व कर रहा था हर एक डिश टेबल पर रख के मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था ही गोइंग

बिल्कुल ने जो किया है है कि इतना एक बड़ा बनाया है जहां हम लाखों करोड़ों लोगों तक सक पहुंच सकते हैं एंड यू देन क्रिएटेड लिविंग स्ट्रीम एंड एन इनकम स्ट्रीम आउट ऑफ इट लाइक सो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कि हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ हाँ मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं ऐसा भी कमा सकता हूं जो फ्रेंकली शायद किसी को कल्पना भी नहीं होगी कि इतना पैसा कोई कमा सकता है और वो भी इस रीत से कोई ऐसा औ, और और actually, let me, let me step back, आप अपने वीडियोस कितना देखती हैं और दूसरों के वीडियोस कितना देखती हैं <laughs> Good question. Uh, वैसे you know, मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ी पागल यू you नो know, जब भी वीडियो शूट होता है उसके बाद मेरी अभी आई हैव दिस टीम जिसमें CA's है 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 और मेरे 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 साल साल से रफ एक, एक साल से रफली साथ है, मेरे टीम में तो उनको पता है अभी कि एडिटिंग कैसे चेक करना है सब ठीक ठाक हुआ है कि नहीं तो आई कैन आइडियली रिलाई ऑन देम ऑल्सो बट वो मेरे से नहीं होता मैं बोलती जब तक मैं नहीं देखूंगी ना तब तक वो वीडियो लाइव नहीं जाएगा यू <laughs> नो you know, बारीक सी चीज की मेरे यहाँ पे थोड़ा ऐसे जिटर हो रहा है वो एडिटर को बोलो वो चेंज करने तो थोड़ा <laughs> वो मैं पागल हूँ थोड़ा परफेक्शन के लिए तो वो हो जाता है मेरे से सो आई हंड्रेड परसेंट रेट ऑफ मी वॉचिंग बाकी के लोगों का भी कंटेंट बहुत हद तक कंज्यूम करती हूँ मैं आपके वीडियोस हो प्रांजल के हो प्रसाद के हो अक्षत के हो आई थिंक आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ यू ऑल एंड नो बहुत बार इंस्पिरेशन मिलता है कि यार ये भी लोग इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं तो यू नो इवन मैंने भी ये जो एक कंसिस्टेंसी खुद के लिए मेंटेन करके रखी वो आई शुड कीप ऑन गोइंग विद दैट सो यू गाइस आल्सो कीप ऑन इंस्पायरिंग मी डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है दैट इज ब्रिलियंट थैंक यू सो मच फॉर दैट लाइक दैट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू एक चीज जो मैंने uh, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है कि फाइनेंस इंडस्ट्री में खासकर वुमेन प्ले अ Far more important role than men do. Like all the all the banks have had women CEOs, Abhi ki chief was also appointed. Right? So there is a very, very strong gender participation, which we don't find unfortunately in most industries. Hmm. And what you're also doing is our financial inclusion and financial knowledge share, research that if women receive financial independence, then their generations benefit immensely more. तो इफ यू एज सीए रचना हैड टू गिव वन और टू टिप्स टू विमेन स्पेसिफिकली अराउंड पर्सनल फाइनेंस वो क्या होगा यू नो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी इफ यू डोंट माइंड कि दिस एडवाइस विल नॉट गो ओनली फॉर विमेन इट विल गो फॉर मेन एंड विमेन क्योंकि अगेन आई आई बिलीव इन ग्राउंड रियलिटीज ओके आज भी अपने यहां पे इंडिया में ऐसा है मे बी आउटसाइड इंडिया इट इट माइट बी सिचुएशन कि कम्स टू वुमेन हैंडलिंग फाइनेंसेस तो मेन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है राइट right? मतलब जब मैंने मेरी जिंदगी का पहले इन्वेस्टमेंट किया था मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो थी जब मैंने इन्वेस्ट किया था उसके बाद वो तुरंत लॉस में चला गया था ओके okay? ये मेरे साथ ही हुआ क्या नहीं मेरे हिसाब से एटी के साथ यही होता है क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट ऑल वेल रिसर्च किसी का सुन के क्या होता है खुद को कुछ अकल नहीं रहती है तब तभी क्या होता है नाउ यू कैन इमेजिन एट दैट टाइम इफ द मैन इन माई फैमिली वुड टोल्ड मी कि रचना तुझे नहीं आता है तो क्यों कर रही है क्यों पैसे बर्बाद कर रही है I I I might have gotten discouraged and I might have have gotten discouraged and never had that gut of doing it again, right?

ये सेम चीज मेरे नाना जी भी हमेशा बोलते थे नो कि गलती करो गलती या करो बट एक बार जो की वो दोबारा मत करो सो so, ये मैं लिखती थी कि वॉट वेंट रॉन्ग इन माई ट्रेड वॉज द लॉजिक दैट आई मिस्ड आउट एंड देन आई स्टार्टेड यू नो इम्प्रूविंग माई इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये सेम कॉपी पेस्ट लॉजिक हो सकता है फॉर इवन गर्ल्स ड्राइविंग आप अगर ये भी देखो कि जितना कॉन्फिडेंटली लड़के गाड़ियां चलाते हैं वर्सेस लड़कियां गाड़ी चलाती है एंड हमेशा बोला जाता है कोई भी अगर गंदा ड्राइविंग कर रहा है सबसे पहले लड़की ड्राइव कर रही होगी ये मुंह से निकल जाता है so right? तो क्योंकि उसको हर बार वही बोलेंगे तेरे को आता ही नहीं है यू बेटर सिट इन द को ड्राइवर सीट पीछे बैठो लेकिन यही अगर एक लड़के ने गाड़ी ठोक दी होती थी तो बोलते थे अरे नो वरीज अगली बार मत करना इतनी छोटी छोटी बातें देखते हो ना तब ऐसे लगता है कि गर्ल्स डूइंग थोड़ा मुश्किल है एक भी होना चाहिए घर में uh, कई घरों में ऐसे भी देखा है मैंने अनफॉर्चुनेटली कि घर में डिस्कशन हो रहा है अबाउट आगे का यू you नो know, कई एक नया फ्लैट लेना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज बट उसमें घर की बहू को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है सो so, ये बहुत पेन करता है ये सब चीजें तो मैं हमेशा ये एक मैसेज स्प्रेड करना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को कि प्लीज इन्वॉल्व हर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप फाइनली उसकी सुनते हो कि नहीं दैट डज नॉट मैटर ईच एंड एवरी टाइम आप एटलीस्ट इन्वॉल्व तो करो उसके इनपुट्स तो ले लो अगर आपको लगता है कि इनपुट्स वैलिड है तो ले लो अगर लगते इनपुट्स नहीं वैलिड है इट्स ओके बट एटलीस्ट शील गेट मोर वोकल शील ट्राई एंड डेवलप दैट इंटरेस्ट इन दिस फील्ड एंड जब वो खुद कॉन्फिडेंट होगी ना तो आई थिंक हम मराठी में भी हमेशा बोलते हैं कि एक लड़का जब सीखता है तो वो सीखता है एक लड़की सीखती है तो पूरा घर सीखता है पूरा घर सीखता है तो वो सब कॉपी होता है यहाँ पे भी कि अगर वो सीखती है ना तो वो उसके बच्चे को समझाएगी ऑटोमेटिकली वो होता है आई मीन इट्स हार्ड टू बिलीव बट मेरा आठ साल का लड़का है वो मुझे एक दो महीने पहले पूछ रहा था मम्मी ऐसे क्यों हो रहा है की निफ्टी ग्रीन में है बट निफ्टी रेड में है <laughs>

Women in the conversation, because when that they will automatically feel that inspiration, that motivation. They will also get that confidence. And agar, she learns, then the whole family will That's brilliant. Last question, rashna, before we, we let you go and thank you for this, is you, you've spoken actively about the role that YouTube has played in, in your teaching journey, in your creation journey. What would be your message to all those who are looking at YouTube for driving their

राइट नाउ स्पेशली वर्ल्ड के नजदीक भी नहीं है आप, आप uh, उनमें से तो हैंडफुल अभी नॉन फेसिस है तो ये बहुत डी क्लटर स्पेस है अभी भी तो जो बंदा एक बहुत डिसिप्लिन के साथ एक अच्छे क्रिएटिविटी के साथ सिंप्लिसिटी के साथ और ऑफ स्क्रीन कोई अलग ही है ऐसे नहीं होना ट्रू देन आई थिंक दिस जर्नी इज गली वरफुल एंड यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो हमेशा अपकमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स को भी मोटिवेट करता है सो आई थिंक यूट्यूब ऑल्सो फीचर्स की

Stick to it and be consistent. I think that should be it.

continued success and keep inspiring all of us. It is genuinely very very helpful. Thanks thanks a a lot Ankur for having me. Thank you. Have a lovely day. Bye Rachna. See you, Bye. bye. Ye hai Rachna. उतना ही मजा आया इस कॉन्वर्सेशन को देखकर जितना मुझे मजा आया रचना के साथ बात कर ugly video talk this is ankur variku signing off my first book do epic shit is now out i would love for you to buy a copy of do epic shit on amazon.com